ऑफ द वीडियो की भरमार हो चुकी थी यूट्यूब पे, मुझे आप लोगों को इस तरह से लाइव रिजल्ट दिखाना था अपना। सो आप देख, हाय माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो के टाइटल से एंड थंबनेल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो क्या रहने वाला है। यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लोरियल पेरिस के न्यूली लॉन्च शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू। सो लास्ट 2 से 3 वीक पहले मैंने नायका पे इनको देखा था, शैम्पू एंड कंडीशनर को, बट जब मैं यूट्यूब पे आई थी देखा था रिव्यू के लिए, बट एज सच इस पे कोई भी रिव्यू नहीं था, न्यूली लॉन्च था। बट लास्ट वीक से ही इतने सारे, लाइक वी ऑल नो कि सारे लेवेंडर कलर या पर्पल कलर की टी शर्ट पहने हैं, टॉप्स पहने हैं, और उनका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो भी काफ़ी सिमिलर है, तो वो एक तरह के मतलब स्पॉन्सर वीडियोज है। तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर वीडियो की भरमार हो चुकी थी यूट्यूब पे पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यार इतने सारे स्पॉन्सर वीडियो देख देख के ना कहीं हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि यार परचेज करते हैं, तो मुझे लगा कि एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देना चाहिए। सो मैंने ये अमेजोन से बाय किया है क्योंकि अमेजोन पे थोड़ा जल्दी से मिल जाता है, और ऑलमोस्ट मुझे इसको यूज़ करते करते 15 डेज हो गए हैं। दैट मीन्स कि मैंने इनको 4 से 5 बार यूज़ कर लिया है दोनों प्रोडक्ट को। इनकी जो नाइट क्रीम इन्होंने लॉन्च की थी साथ में, वो भी मैंने बाय की थी, बट वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, एक से दो बार ही हुआ है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी अभी, उसका हम डिटेल रिव्यू वीडियो लेके आएंगे बाद में अच्छे से यूज़ करके। बट शैम्पू एंड कंडीशनर का मुझे लगा कि टाइम हो चुका है अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो या मेक श्योर की वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए, ऐसा जो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। सो या विदाउट फर्दर एनी ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर को हमेशा साथ में ही यूज़ किया है, इसलिए मैं इसको साथ में ही इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड यस, दिस इज द लोरियल पेरिस हाइलोरॉन मॉइस्चर 72 आवर्स मॉइस्चराइजिंग फीलिंग शैम्पू। सो बेसिकली इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है दैट इज हाइलोरोनिक एसिड। वी ऑल नो कि हाइलोरोनिक एसिड हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक हमारी स्किन के अंदर एक ह्यूमेक्टेंट का काम करता है जो कि जो मॉइस्चर है उसको लॉक करके रखता है, तो आपकी स्किन हाइड्रेट लगती है, प्लम लगती है। तो बेसिकली ब्रांड का यही कहना है कि ये जो पर्टिकुलर शैम्पू है ये भी आपके बालों के अंदर ह्यूमेक्टेंट का काम करेगा, तो जो भी मॉइस्चर है आपके एटमोसफेयर में, आपके बाल जो आपने वॉश किए हैं उसके मॉइस्चर को वो लॉक कर देता है, डिहाइड्रेट नहीं करता है, बालों को ड्राई नहीं बनाता है। अगर बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाएगा दैट मीन्स कि वो आपके बाल ड्राई, डैमेज या डिहाइड्रेटेड नहीं लगेंगे, तो इसका क्लेम यही है कि आपके बालों में लॉन्ग लास्टिंग तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, एंड दिस इज फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी, डिहाइड्रेट है तो ही आप इसको यूज़ कीजिएगा, अगर आपके ऑयली हेयर है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यूज़ करना है, और ज़्यादा ऑयली हो सकते हैं। एंड प्राइस है इसकी 199 रुपीज़, एंड क्वांटिटी आपको मिलेगी 180 ml, तो सफिशियंट है, क्वांटिटी वाइज काफ़ी ठीक है। एंड बात करते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ वाटर, एंड सेकंड जो है दैट इज़ सोडियम लोरेट सल्फेट। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ सल्फेट यूज़ करना बहुत बुरा नहीं होता है, अगर आप उसको एक्सेस में यूज़ कर रहे हो तो बुरा हो सकता है। तो ये जो शैम्पू है ये सल्फेट फ्री नहीं है, इसके अंदर सल्फेट है, और सल्फेट जो है वो भी सोडियम लोरेट सल्फेट है, तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होता है, जो बेसिकली स्कैल्प को, बालों की जो डर्ट, गंदगी वगैरह है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, अच्छे से फॉर्म क्रिएट करेगा, लेदर होंगे आपके बालों में, तो क्लीननेस भी काफ़ी अच्छी होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बहुत कम क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है और बहुत अच्छे से क्लीन करता है बालों को। एंड यस, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमेक्टेंट भी इसके अंदर और भी डाले हुए हैं, बाकी इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो कुछ इस तरह के काफ़ी सारे ह्यूमेक्टेंट भी इसके अंदर डाले हुए हैं जो ओवरऑल बालों की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। और केमिकल तो है ही है यार, एज सच लाइक केमिकल फ्री कोई शैम्पू नहीं है ये। एंड यस, यूज़ कैसे करना है, जैसे नॉर्मली हम अपने बालों में शैम्पू करते हैं वैसे ही आपको यूज़ करना है। एंड बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो जो शैम्पू की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लाइट है, लाइक थोड़ा सा वाटरी कंसिस्टेंसी में है, बट यस काफ़ी कम क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी और अच्छे से आपके बालों को ही क्लीन कर देगा। एंड बात करें इसके कंडीशनर की, तो कंडीशनर भी आपको सेम रेंज का ही मिलेगा, दिस इज हाइलोरॉन मॉइस्चर 72 आवर्स मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर, तो इसका भी हीरो इंग्रेडिएंट हाइलोरोनिक एसिड है और ये भी डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए है। एंड प्राइस है इसकी 239 रुपीज़, एंड क्वांटिटी आपको मिलेगी 180 ml। सो प्राइस के अकॉर्डिंग जो कंडीशनर है थोड़ा सा कॉस्टली है। एंड बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो जो कंडीशनर की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू अदर कंडीशनर, सो आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा लेनी होती है, बट यस बालों में स्प्रेड अच्छे से हो जाता है क्योंकि जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है, तो बालों में लाइक वो प्रॉब्लम नहीं होती है कि स्प्रेड नहीं होगा, एक जगह जाके जमा हो जाएगा। यस, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। सो ये है कुछ इसकी ओवरऑल पैकेजिंग की बात, और अभी बात करते हैं कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो गाइज, मैंने इनको हमेशा
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयलिंग की है अपने बालों में। मैं कभी भी विदाउट ऑयलिंग हेयर वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे जो हेयर का टाइप है दैट इज़ वेरी ड्राई, फ्रीजी एंड थोड़े से वेवी भी, आप देख सकते हो। एंड आज ही मैंने सेम कंडीशनर एंड शैम्पू से ही हेयर वॉश किया है। सो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये आपके बालों को बिल्कुल मैनेजेबल बना देगा, बिल्कुल भी ड्राई फ्रीजी नहीं लगेंगे आपके बाल। यू कैन सी लाइक अभी भी मेरे बालों में फ्रीजीनेस है। सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ सी, क्योंकि मैंने कोई भी सैरम यूज़ नहीं किया है, मुझे आप लोगों को इस तरह से लाइव रिजल्ट दिखाना था अपना। सो आप देख सकते हो, ये देखो, ये पूरा जो है ना, ये फ्रीजीनेस है। सो ये एज सच आपके बालों की फ्रीजीनेस को कंट्रोल नहीं करता है। और ये जो क्लेम कर रहा है कि 72 आवर्स तक आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, आई डोंट थिंक सो कि इतना ही करता है। लाइक आज अगर आपने हेयर वॉश किया है तो आज और कल दो दिन आपके बाल थोड़े बहुत ठीक लगेंगे, मतलब जो नॉर्मल हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं ना वैसा लगते हैं, वैसा ही लगेगा। एज सच बहुत बड़ा तोप या बहुत बड़ा मैजिक नहीं कर ये बालों के अंदर, बट यस 72 आवर्स तक तो बिल्कुल नहीं। थर्ड डे आपके बाल थोड़े से जो रफ रफ दिखते हैं वो दिखने लग जाएंगे, जैसा आपका नॉर्मल हेयर टाइप है वैसा नॉर्मल दिखने लग जाएगा। बट इसका जो क्लेम है वो मुझे सच कोई इतना ज्यादा लाइक इंप्रेसिव नहीं लगा है। नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल शैम्पूज होते हैं वैसा ही, और ये भी एक तरह से नॉर्मल ही शैम्पू है। एज सच बहुत ज्यादा हाई एंड भी नहीं है, या ये क्लेम नहीं कर रहा है कि सल्फेट फ्री है या ये बहुत जो सलोन एक्सपर्ट शैम्पूज होते हैं वैसा है। नॉर्मल शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू की तरह ही आप यूज करो। Yes, इसके अंदर सल्फेट है तो आपको वीक में इसको लाइक एक से ज्यादा बार नहीं यूज करना है। अगर आप 3 बार शैम्पू कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप 2 बार सल्फेट फ्री वाले शैम्पू यूज करो। जिस दिन आपने बहुत ज्यादा ऑयलिंग वगैरह की है, आपको जरूरत है कि आपकी स्कैल्प साफ होनी चाहिए, बाल साफ होने चाहिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि सल्फेट है तो बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। बट यस, अगर आपने इस शैम्पू को सिर्फ और सिर्फ शैम्पू यूज़ किया है, कंडीशनर यूज़ नहीं किया ना, तो फिर तो आप भूल जाओ कि आपके बाल आपको थोड़े बहुत भी मैनेजेबल लगेंगे, क्योंकि इसका जो कंडीशनर है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू शैम्पू। कंडीशनर को यूज़ करने के बाद लिटरली फील होता है कि यस, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट लग रहे हैं बाल। मतलब अभी जो मेरे बाल है ना गाइस, थोड़े से फ्रीजी है, बट जो इनका फील है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। लाइक जो बेबी हेयर होते हैं ना, हम सॉफ्ट सॉफ्ट से ऐसे हाथ लगाते हैं। आई होप कि आप समझ पाओगे अगर मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊँ ना। सो से दिस लाइक सॉफ्टनेस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन एज सच ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस को कंट्रोल नहीं करेगा। यस, अगर आपकी ड्राई एंड फ्रीजी हेयर नहीं है ना, तो फिर ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि बाल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो ये डी टैंगल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लाइक टैंगलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो डी टैंगल रखता है आपके बालों को, क्योंकि सॉफ्टनेस हो जाती है तो वो टैंगल्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बट वो जो फ्रीजीनेस वगैरह है ना उसको ये कंट्रोल नहीं करेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि ड्राई एंड फ्रीजी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, वैसे ओवरऑल देखा जाए ना तो मेरा एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। मैं लाइक ऐसा नहीं है कि क्या शैम्पू है, क्या बना दिया, बकवास कर दिए बालों को, अच्छा है, बहुत कम क्वांटिटी लेनी होती है, क्लीन भी बहुत अच्छे से करता है। और अगर आप कंडीशनर के साथ यूज़ कर रहे हो, लाइक ऑयलिंग कर रहे हो पहले और उसके बाद आप कंडीशनर भी यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये अच्छा काम करेगा, उसमें आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। बस अगर आप नॉर्मल एक्सपेक्टेशन के साथ इसको बाय कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको अच्छा ही लगेगा। बहुत ज़्यादा सोच के लेओगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप को अच्छा लगेगा। लाइक थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार क्या परचेज कर लिया, नॉर्मल शैम्पू है, नॉर्मल शैम्पू की तरह ही यूज़ करना। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। इसकी जो ये हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम है, इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने खुद से बाय किया है। इसका भी डिटेल रिव्यू थोड़ा सा टाइम और दो मुझे, अच्छे से यूज़ करके उसके बाद ही अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस। अगर वीडियो आपको ये भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कॉमेंट बॉक्स तो है ही है, वहाँ पे फॉर श्योर मुझे आप लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड यस, अगर आपको प्रोडक्ट बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।